विश्व के लिए अपूर्णीय क्षति है जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती थी। ऐसे संत सदियों में एक बार इस धरती में अवतरित होते हैं और अवतरित होने के बाद अपने कार्यों के माध्यम से जो कार्य करके जाते हैं उसे युगों युगों तक कोई भूल नहीं सकता। ये मेरा सौभाग्य है कि विद्यासागर जी महाराज का दर्शन करने का मौका मुझे कई बार मिला और दुर्ग में भी वे आए जहाँ पर उन्होंने एकता द्वार उन्होंने बनाया जो इस बात का प्रतीक है कि लोगों को इस बात का संदेश देता रहेगा कि हम सब भाईचारे के साथ रहे एक मिलजुल कर रहे। ये संदेश उनका जो है ऐसी मिसाल इस जीवन में नहीं मिल सकती। हम सबके आराध्य युग दृष्टा ब्रह्मांड के देवता आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का कल ब्रह्म में लीन हो गए। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, प्रदेश के लिए नहीं, अपितु देश के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। ऐसे संत परमात्मा सदियों में एक बार ही अवतरण लेते हैं और हम लोगों का बहुत सौभाग्य रहा कि पिछले 150 साल से आचार्य भगवान छत्तीसगढ़ में थे। दुर्ग भी आए आचार्य श्री और हम लोगों को भरपूर आशीर्वाद आचार्य भगवान का मिला, लेकिन विधि के विधान के आगे हम सब नतमस्तक है। आचार्य भगवान 3 दिन पहले ही संलेखना की ओर जा चुके थे और बहुत ही अपूर्णीय क्षति है, इसे पूरा नहीं किया जा सकता। समाज को बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई, पूरे देश को अपूर्णीय क्षति हुई है। इसके पहले अभी नवरात्रि में उनके दर्शन करने में भी आया था और उनका दर्शन लाभ लिया था और निश्चित रूप से न केवल जैन समाज बल्कि पूरे देश का नुकसान हुआ है।